हाय, मेरा नाम पूजा है और मैं उत्तराखंड उधम सिंह नगर के एक छोटे से गांव बीरपुरी से बिलोंग करती हूँ, जो रुद्रपुर सिटी में पड़ता है। मैंने एमए किया है आर्ट से और मेरा विद्यालय देवता स्नातक महाविद्यालय है जो बिजनौर में पड़ता है। मैं एमए करने के बाद थोड़ा सा कन्फ्यूज सा रहती थी कि मतलब आगे लाइफ में क्या करना है, और मतलब फैमिली के ही बोलते थे कि मतलब एमए कर लिया तो कुछ आगे करो, लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन क्या था, बचपन से ही ड्राइंग का शौक़ था, और ड्राइंग करते हुए क्या होता था कि ड्राइंग करते हुए इतना खो जाती थी कि अगर मम्मी मेरे को आवाज़ लगा रही है तो मैं भूल जाती थी, खो जाती थी ड्राइंग में इतना कि कोई मेरे को आवाज़ लगा रहा है मुझे वो भी नहीं सुनाई देता था। लेकिन फैमिली के बोलते थे कि मतलब इसमें ड्राइंग में क्या करना है आगे, मतलब गवर्नमेंट की तैयारी करो। फिर मैं मतलब गवर्नमेंट की तैयारी करने लगी तो क्या होता था, पॉइंटों से रह जाती थी। 3 बार मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद फिर मेरा मन नहीं किया कि मतलब गवर्नमेंट की तैयारी करूँ। मन किया था मतलब ड्राइंग की है, ड्राइंग आती है तो ड्राइंग से ही आगे कुछ करना था लाइफ में। मन बचपन से यही था, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मतलब तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है तो तुम ये करो, तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा। तो थोड़ा कन्फ्यूज सा रहती थी। और एक बार अचानक से ऐसी मेरे चाचा की लड़की से बात हुई जो दिल्ली में रहती थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब तुम ड्राइंग करते हो तो तुम ये डिजिटली तरीके से करो, अपने काम को और आगे बढ़ाओ। तो मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया वो किस तरह से बोल रही थी, तो उन्होंने बोला कि एक बार यहाँ आओ, फिर हम बैठ के बात करते हैं दोनों और फिर डिस्कस करके फिर सोचते हैं आगे तुम्हें क्या करना है। तो उस टाइम मतलब थोड़ी खुशी सी भी हुई कि मतलब कोई मिला है आगे गाइड करने के लिए। और यहाँ आने से पहले सच बताऊँ तो मेरे से कंप्यूटर का सीवी नहीं आता था। जब मेरी दीदी कंप्यूटर चलाती थी और वर्क करती थी तो उनको देखते हुए घबराहट सी होती थी, ये कैसे चला लेती हैं, ये सब कैसे कर लेती हैं। और उसके बाद में कभी जैसे दीदी के साथ जाना हुआ तो दीदी बोलती थी कि मतलब तुमको ड्राइंग आती है, तुम अगर कुछ अपना वर्क चेक करना चाहती हो कुछ ड्राइंग से रिलेटेड तो चेक कर सकती हो। तो घबराहट सी होती थी, मतलब कंप्यूटर छुए कैसे, माउस छूते हुए भी डर लगता था। और फिर थोड़े दिनों के बाद में ही मतलब चाचा की लड़की के पास आना हुआ और घर वालों से परमिशन लेके जब यहाँ पर आई तो फिर यहाँ पर आके उसने मेरे को समझाया कि तुम ये सब डिजिटली तरीके से करोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा स्कोप भी है इस चीज़ में। तो मेरे को मतलब थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी और फिर मतलब फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था। लेकिन उसने फिर नेट पर सर्च किया, तो नेट पर सर्च किया फिर मैक के बारे में पता चला, मैक 18 के बारे में पता चला। तो मैं और मेरे चाचा की लड़की यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर हम अमित सर से मिले। अमित सर ने हमको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि फोटोशॉप में ये होता है, इलस्ट्रेटर है, प्रीमियर है, आफ्टर इफेक्ट है, 3D, मतलब जो भी कुछ करना चाहो इनसे कर सकते हो। तो थोड़ी चीज़ें मतलब अच्छी लगने लगी कि मतलब ये सब चीज़ें है क्या, तो मतलब मन में जानने का उत्साह था कि ये सब चीज़ें क्या हैं, कुछ नया है क्या, करके देखते हैं। फिर उसके बाद में मतलब सर ने बोला कि क्लास ज्वाइन करो, उसके बाद में मतलब तुम फिर बताना कैसा लग रहा है। तो फिर मैंने जब फर्स्ट क्लास ज्वाइन करी, फर्स्ट क्लास मेरी फ़ोटोशॉप की थी जो अंकुर सर ने पढ़ाई थी। अमित सर से बात करने के बाद में मतलब सर ने बोला कि तुम मोशन ग्राफी करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। तो उस टाइम पर मतलब ये भी नहीं पता मोशन ग्राफी क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। सर ने समझाया था लेकिन वो ही था कि मतलब उसको उस चीज़ को करते हैं तो तब ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। तो फिर बाद में मैंने फर्स्ट क्लास ज्वाइन करी फ़ोटोशॉप की जो अंकुर सर ने ली थी। और उसके बाद में मतलब जो फर्स्ट क्लास में सर ने समझाया एक एक चीज़ें कि ये ब्रश है, पेंसिल, मतलब सारे टूल्स बताए एक एक करके, तो मतलब थोड़ा सा अच्छा सा लगने लगा कि ये तो सब ड्राइंग का ही चीज़ें ले रखी है इसमें। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे क्लासें लेते गए सर, तो सर ने वर्क दिया मैक पेंटिंग और लोगो और फोटो एडिटिंग। और उसके बाद में सर ने मतलब डिजिटल पेंटिंग के लिए बोला, तो सर मतलब थोड़ा प्रेशर भी देते थे कि हाँ इस काम को जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन अच्छा भी लगता था क्योंकि मेरे लिए तो नया ही था, तो अच्छा भी लगता था कि ये सब करना है, मन में रहता था कि हाँ करना है। और जब सर ने डिजिटल पेंटिंग दी तो सर ने बोला, ये सर ने पहले बना के दिखाया और मतलब बहुत अच्छा सा लगा कि मतलब जो हम पेपर पर करते थे कंप्यूटर पर इतनी आसानी से हो जाता है। फिर बाद में जब मैंने ट्राई किया तो डिजिटल पेंटिंग जब मैं शुरू में ट्राई किया तो सर बोल रहे थे मतलब पेन टैप यूज़ कर लेना, लेकिन उसके बाद में मेरे पास पेन टैप था नहीं तो मैंने माउस से ही ट्राई किया। माउस से ट्राई किया तो फिर धीरे धीरे मतलब अच्छा लगने लगा माउस से ट्राई करते हैं। जब एक एक स्टेप किया तो फिर मतलब अच्छा लगा कि ये तो ब्रश की तरह ही चल रहा है, मतलब रिजल्ट तो वही दे रहा है जो ब्रश देता है।
तो मतलब बहुत अच्छा लगने लगा। फिर ट्राई किया तो एक डिजिटल पेंटिंग बनाई लता मंगेशकर की। जब फोटोशॉप कंप्लीट हो गया तो मतलब बहुत अच्छा सा लगा कि मतलब ये तो नई दुनिया है। और उसके बाद में क्या था, इलस्ट्रेटर स्टार्ट हुआ था और जो हेमा मैम ने क्लास ली थी, मैंने फर्स्ट क्लास ज्वाइन करी इलस्ट्रेटर की। तो मैम ने समझाया, जब एक एक चीज़ें बताई मैम ने, इसमें हम ये कर सकते हैं, 2D करेक्टर बना सकते हैं, इन्फोग्राफी और विजिटिंग कार्ड, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। तो मतलब लगा ये तो एक अमेजिंग दुनिया है, मतलब जो भी हम सोचते हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। वो मेरे को जब इलस्ट्रेटर की क्लास ली पता चला, मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर तो मन करने लगा कि मतलब और सीखना चाहिए और अच्छे से सीखना चाहिए। तो कोशिश करती रही, अभी मेरी इलस्ट्रेटर की क्लास चली रही है लेकिन अभी यहाँ तक आकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना कुछ चेंज हुआ तो ये सब मैक में आने के बाद हुआ तो थैंक यू सो मच जो मुझे मैक में एडमिशन लेने का मौका मिला और ये सब चीज़ें, वरना तो मैं शायद बहुत पीछे रह जाती।